वाली सबको बहुत, अरे आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ, हलवाई की दुकान पे बड़ी पैसे दे के ले लेना, ये तो मेरे खुद के लिए खाली डिब्बा है। आप आई नहीं बाहर, हमने इतना एंजॉय किया, होली मनाई, गाने गाए, सारे मिस कर रहे थे आपको। अच्छा? हाँ, सब पूछ रहे थे, कहते पिछली बार जो ढोलकी वाली आई थी आई नहीं इस बार। इतना इनका स्टेमिना कसम से, बाप रे, 8 घंटे लगातार ढोलकी बजाई पिछली होली पे। 8 घंटे बजाने के बाद फिर कहती भी बस अब मुझे जाना है, मेरे को बारात में ट्रम्पट भी बजानी है। और भाजी हैप्पी होली, होली का फायदा बड़ा है, जिसको मर्जी रंग लगा दो किसी को नहीं पता चलता किसकी बीवी है, किसका क्या है कि नहीं। तू भी तो लगवा के बैठी पीछे वाले से। मैं तो सुबह अपनी बीवी के चक्कर में वो पिछली वे सामने वाली गुप्तायन उसको जाके जब भी डाल ली, 15 मिनट तक बोली नहीं कुछ, 15 मिनट बाद ये क्या कर रहे हो, मैं गुप्ता जी की बीवी हूँ। मैंने कहा भड़क क्या रही है, मेरे को क्या पता नहीं है। और भाई मेरी जो बीवी है ना उसके साथ ही सास कॉम्प्लीमेंट्री आई थी, कमी नहीं, जब विदाई के वक्त बुड्ढी साथ आई, अभी तक जवाब ही नहीं जा रही, मेरे तो होली खराब हुई पड़ी है। सास से याद आया, और श्रुति कैसी हो, टोस्टी टोस्टी कहा हो तुम, टोस्टी होली है, होली है, होली है, होली है, टोस्टी क्यों चिल्ला रहे, होली भी नहीं खेलने देता ठीक से। अम्मा तू तू होली खेल के आई है? हाँ तो इस उम्र में क्रिकेट खेलने जाऊंगी। क्रिकेट तो जिनका काम है उनसे नहीं खेला जा रहा, तू क्या खेलेगी बुढ़िया, तेरे को शर्म नहीं आती, विधवा होके रंगीन होके घूम रही है, शर्म कर, 2 महीने नहीं हुआ तेरा पति मरा मेरा ससुर, तू होली खेले जाएगी क्या, तेरे को शर्म नहीं आती, होली खेलते फिर तेरा पति मरा 2 महीने पहले, तू वो कौन सा पिचकारी लेके गया है, मार रही इसको, असल में मार रही। देख ले आज के बाद मेरे को कहना नहीं मेरे को पंच दे, तेरा दूसरा अंगूठा भी तोड़ दूंगा मैं। ए सुन बढ़िया ही तू, दिस इज द थर्ड टाइम ये पंच इज आर गोइंग फ्लैट, ओके बढ़िया ही होली खेल ले, बैठ जा, सबका त्यौहार है, बढ़िया ही होली खेल ले। हाँ तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, होली सबका त्योहार है, सब मनाएंगे खुशी खुशी। अच्छा होली सबका त्योहार है, जो इतना खर्चा सोनी ने किया है वो। होली सिर्फ सोनी का त्योहार है, सोनी के कलाकार मनाएंगे, हैप्पी होली, सोनी मारूंगा तेरे मुंह पे मैं। मारूंगी मैं तुझे पिचकारी से, बात मत कर ज्यादा। मेरे को पता है तू बड़े मार सकती, तू कोई आम बुड्ढी नहीं है तू। पता है जिस दिन इसका पति मरा 6 घंटे तक यूं बैठी रही, और मैंने कहा अम्मा जी गोली मारो जाने वाला चला गया क्या फायदा, कहती चलो ठीक है ओके जानू बाद में बात करते। ज्यादा बात मत तू। टोस्टी कहाँ है मेरी बीवी? वो अंदर गुजिया लड्डू बना रही है। सीख कुछ उससे, पहले दिन आई कुछ तो कुछ बना रही, तू बिगाड़ा ही कर हमेशा, बुला उसे मुझे भूख लगी है। अरे तो भूख लगी तो बेटी को क्यों बुला रहा है, मैं हूँ ना, अरे खाना मैं लगा दूंगी। तू तो लगाना ही मत खाना, पिछली बार मेरी कमीज पे लगा दिया था सारा। मेरी कमीज पे आलू मटर लगा दी, कमीज धोई, 4 आदमियों की सब्जी निकलाई। टोस्टी का है, टोस्टी ले आ गई, ये लो। अरे आ गए आप, तेरे से पहले आए, तेरे को नहीं पता ये इतनी लंबी बच्ची पैदा की, मनी प्लांट खा के पैदा करी थी तूने, इतनी लंबी बच्ची पैदा की है, परसों स्विमिंग करने गई अपने घुटने छिलवा के आ गई है। मैंने कहा चल दोनों स्विमिंग करते हैं, देखते कौन तैर के स्विमिंग पूल पार करता है, मैंने अभी कपड़े में उतारे भाग के स्विमिंग पूल पार कर गई है। आपको ना और कोई काम नहीं है, मेरी और मेरी बिचारी माँ के पीछे पड़े रहते हैं तो क्या करूं, भुक्के नंगे लोगों से रिश्ता जोड़ दिया मैंने। दिया गया शादी से पहले, कहते थे तुमको बड़ा दहेज देंगे, अब क्या दिया तूने दहेज, सीजनल सब्जी दे दी मेरे को। कहते फ्रिज खुद ले लेना, देखो ओए मेरी बेटी के साथ मर्सिडीज लेके आई थी वो, तो उसके पीछे पीछे जो पुलिस आई थी वो। अच्छा और मेरी माँ ने जो पुलिस के साथ सेटिंग की थी वो, तो उस चक्कर में उस हवलदार को जो अब तक बाबूजी कहना पड़ रहा है वो। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है हो गया अभी। अच्छा बताइए खाने में क्या खाएंगे? मैंने नहीं कुछ खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैंने 3-4 गुब्बारे खाए। सुनो मेरा खाने का मूड नहीं है, कुछ कुछ हल्का फुल्का मटन टाइप बना लो। मटन नहीं बनाया है, कद्दू बनाया है। मेरी किस्मत खराब है, सुबह से दिन ही खराब है आज। कद्दू ही नहीं रायता भी बनाया है। रायता बनाया, संभाल के रखना, ये फैलाती बड़ा तेरी माँ। अच्छा रायता मैं फैलाती हूँ, और ये जब सोती तब खाना कौन बनाता है? मैं ना? बनाना क्या था तेरे को, क्या बनाना था तेरे को? परसों चिकन बनाया उसमें से हड्डी निकली। मैंने कहा कोल्ड कॉफी बना दो, इतनी ठंडी कोल्ड कॉफी, इतनी ठंडी 2 मिनट में पी गया मैं। ए अपनी माँ के कपड़े पैक कर टिफिन में, और दफा कर, इस बुढ़िया को नजर नहीं आनी चाहिए मेरे को ये। ए बुढ़िया मत बोल, तेरी माँ की उम्र क्यों? तो मेरी माँ भी तो बुढ़ी थी, वो कौन सा कॉलेज जाती थी बे? बाहर निकाल इसको बुढ़िया को। क्या हो गया बुढ़िया, बुढ़िया कहता रहता है
कभी सामने रमेश वाले को देख, रमेश को कितना प्यार करता अपनी सास से, सीख कुछ। तो उसकी सास देखी तूने कितनी सेक्सी है, कट स्लीव पहनती वो। अपना मुंह देखा है तूने? परसों केला खाते खाते दांत तोड़वा बैठी थी। चल निकल यहां से। मां, आप मुझे नहीं रहना इस घर में। तुझे कितनी बार बोला मुझे हरिद्वार जाने, भेज क्यों नहीं देती? भेज दूंगा तुझे हरिद्वार, कभी मटके में आ तो सही तू। हो क्या गया आपको? महकी महकी बातें कर रहे हैं, चलो गुस्सा थूक दो। तेरी माँ के मुंह पे थूक दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ ये तो बस ये चाहती है कि हम 3 से 4 हो जाए। तेरे को शर्म नहीं आती? इस उम्र में तेरी माँ के लिए पति ढूंढू मैं? अबे तेरे को छड़ी किसने दी? छोड़ दे, छोड़, देना नहीं इसको, नहीं तो तेरे गुब्बारा मारूंगा मैं। क्या है तेरे को? मेरे लिए पति ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे तो नाती चाहिए। नाती, नाती का मुंह तो दिखाते मुझे। नाती का मुंह कहाँ से देखी? रात 2-2 बजे तक तो खांसती रहती है, खांसी की रानी। बेवकूफ फेंका, ज्यादा मत बोल। तू क्या था, मेरी बेटी से शादी करने के बाद तुझे नौकरी मिली है? तेरी बेटी की शादी करने के बाद नौकरी मिली मुझे है? यस। ठीक है, नो कमेंट्स। और तू मेरी बात सुन, तू बस इधर बैठ, बैठ जा इधर आराम से, अंगूठा टूटे इधर बैठ जा, बैठ जाओ, परिवार बैठ के बात करते। मेरी बात सुने कम्मा, हमेशा हमारे घर में रहती हो, बाकी जमाइयों के घर में क्यों नहीं जाती तू? मेरी बाकी जमाइयों से बनती नहीं है। अच्छा, बाकियों से बनती नहीं है, तो हम लोग कौन सा एक ही ब्रश पे पेस्ट डाल के करते हैं? और तू एक काम करना, वो ससुर के पास ही चली जा, मेरे ससुर के पास। क्या बोल रहे हो आप? पिताजी का तो देहांत हो गया। हाँ तो चली जाए ना, फोन करके चली जाए, उसमें क्या है? देख टोस्टी, मैं तेरे को बात बता रहा हूँ, एक तेरी माँ के लक्षण ठीक नहीं है। तेरे को बोला मैंने कुछ? तेरी माँ के लक्षण ठीक नहीं है। सुबह ये जो बोल के जाती ना, मैं योगा करने जा रही हूँ गुप्ता जी के साथ, ये कोई योगा नहीं, मेरे को लगता है इसका गुप्ते का अनुलोम विलोम चल रहा है। बैठ जा, मैं कहता हूँ मौका रहते संभाल दे, कहीं ये ना हो तेरी माँ की कपाल भाती कर दे वो। मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? सच तो ये है कि तुम ही ठीक नहीं हो, सब पता है मुझे। अच्छा, मैं ओ, 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 चुप, दोनों चुप, मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं जा रही हूँ सिंगापुर, वहां सेटल हो जाऊंगी मैं। सिंगापुर? ए माँ, तुम सिंगापुर चली जाओगी हमें छोड़ के? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे माँ? हमें भी लेके जाओ सिंगापुर। हाँ? हमें भी लेके जाओ सिंगापुर माँ। क्या सिंगापुर? आई नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सिंगापुर नहीं, कानपुर। तो जा, मरना जाके बोलती रहती तू, जाती तो है नहीं तू। मैं कहता हूँ उसको जाने दे, जाने दे, तेरी माँ की मेरी वैसे भी सोच नहीं मिलती है। कभी कभी मेरा दिल करता है बिरयानी खाऊं, ये कहती चिकन बनाओ। हद है यार। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खाना तो मुझे बनाना पड़ता है ना। चिकन तुझे बनाना पड़ता है, लेकिन बहला फुसला के तो मैं लाता हूँ चिकन को। हर बार मैं एक आध मुर्गे को बोलता हूँ चल तेरी नौकरी लगवा देता हूँ। इस बार तो मैं पकड़ा गया था, एक मुर्गे ने पकड़ दिया मेरे को। कहता हर बार हमारे भाइयों को ले जाता है, कहाँ वापिस क्यों नहीं आते? मैंने कहा नहीं आते, फिर क्या हुआ, हर महीने एक अंडा तो भेज रहे। तो मुर्गा इतना कमीना, उसने DNA करवा लिया, कहता ये मेरे भाई का अंडा है ही नहीं। मैंने कहा तू बात बढ़ा मत, तू इसका ऑमलेट तू खा ले, ये गंदा परिवार है, मेरे पल्ले पड़ गया ये। बस बस, जिस घर में मेरी और मेरी माँ की इज्जत नहीं, हमें वहां नहीं रहना। हाँ हाँ बेटी बिल्कुल, एक तो सुबह सुबह अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, ये नहीं कि हालचाल पूछने बेइज्जती किया जा रहा है गधा कहीं का। अच्छा, चल बेटी। अंगूठे का ऑपरेशन हुआ है, गिफ्ट लेने तो सोहेल की गाड़ी में मेरे से पहले पहुंची थी तू। मेरा रूम बगल में इसी है। तब तेरे अंगूठे का ऑपरेशन नहीं हुआ था? तब तेरे अंगूठे का ऑपरेशन नहीं हुआ था? मेरे मार मत, मैं एक सुन लो मेरी बात, एक सेकंड सोहेल भाई, ऐसे नहीं जाना, थैंक्स बोल के जाना सोहेल भाई को। सोहेल भाई थैंक यू सो मच कि एक सेकंड, सोहेल भाई थैंक यू, आपने घड़ी दी। सोहेल भाई के लिए जोरदार तालियां। आपको मिली मैडम? यस। कितनी? 2-4 ली। शर्म तो नहीं आती? नहीं। 5 साल हो गए शो की जज, आज तक टाइम नहीं बताया कभी, वो देखो घड़ियां दे रहे हैं। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज वॉच अस ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस। थैंक यू, हैप्पी होली। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.